नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में स्वागत है आपका। आज आपके लेके आए एक एल कॉर्नर 3 BHK फ्लैट डीडी अप्रूव्ड लैंड पे, जिस पे आपको किसी भी गवर्नमेंट बैंक से लोन मिल जाएगा। ये लास्ट यूनिट है जो अवेलेबल है, तो आप लेना चाहें तो ले लीजिए, वरना फिर आराम से फ्लैट कोड देख के बताते रहिएगा ये वाला फ्लैट लेना था या फिर ये वाला फ्लैट, जैसा कोई फ्लैट आए तो बताना। तो इस वाली बिल्डिंग में लास्ट यूनिट है, बट येस अदर यूनिट्स आर अवेलेबल। ये पेड़ आपको दिख जाएगा आपकी बालकनी से। प्रॉपर्टी एक फ्लोर पे सिर्फ एक फ्लैट है और सामने की तरफ भी आपको पार्किंग स्पेस मिल जाता है। स्ट्रीट में भी प्रॉपर पार्किंग है और लिफ्ट यहाँ पे लगी हुई मिलती है। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। 120 गज का ऑन पेपर साइज़ है और वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, बिकॉज एल कॉर्नर प्रॉपर्टी है तो नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन बढ़िया मिल जाता है अपने को। आइए दिखाते हैं आपको फ्लैट और देखिए फिर बताइए कैसा लगा आपको। सो लेआउट इज़ सिंपल। ये हमारा पूरा का पूरा फ्लोर प्लान है। सामने लिफ्ट आ जाएगी और यहाँ से आप अपने फ्लैट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे खड़े होकर आपको लेआउट बता देते हैं। एल कॉर्नर प्रॉपर्टी होने के कारण बेनिफिट क्या मिल रहा है हमें, हमारे सामने वाले बेडरूम और इस वाले बेडरूम के अंदर अटैच बालकनी, सामने की ओर से वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट। एंड ये वाला जो बेडरूम है, जनरली जो अगर सिंगल फेसिंग होती तो उस वाले में नहीं मिलता है, बट इस वाले के अंदर आपको वेंटिलेशन मिल रहा है। किचन में भी आपको वेंटिलेशन मिल रहा है, वो भी डायरेक्ट बाहर से। सो वेंटिलेशन बहुत अच्छा है इस प्रॉपर्टी में। और ये जो आप देख रहे हैं लिविंग हॉल, इसका साइज नंबर्स में अगर आप देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको मिल जाता है 18 फीट, और ऐसे अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपको मिल जाता है 13, 14, 15 फीट। तो ऐसे 15 और ऐसे 16, ये आपका साइज है इसमें। ऊपर आप देखते हैं तो लाइट्स को कंसील, सामने की ओर एक बड़ी सी टीवी यूनिट और यहाँ पे आपका किचन। तो विल स्टार्ट विद किचन। ये हमारा फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर लगाने के लिए स्पेस है, और ये हमारा एक एल शेप में किचन है। काफ़ी बढ़िया सा किचन मिल जाता है काम। इसके अंदर SS के बास्केट लगे हुए हैं। सॉफ्ट क्लोज वाला फंक्शन नहीं है इसमें, बाकी यहाँ पे चिमनी की जगह छोड़ी गई है। और ये वेंटिलेशन आपको इधर से मिल जाती है। यहाँ से हल्का पीछे चलते हैं। सामने की ओर हमारे जो दो बड़े बड़े बेडरूम्स हैं उनको दिखाने से पहले एक बार कॉमन वॉशरूम के दर्शन कर लिए जाएं। ये आपका कॉमन वॉशरूम आ जाता है। साइज इसका ऐसे मिलेगा 4 फीट 2 इंचेस, और ऐसे आपको मिल जाता है कंप्लीट 7 के आसपास। तो ये हमारा साइज है कॉमन वॉशरूम का। यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे फर्स्ट बेडरूम में, यानी कि नंबर 1 बेडरूम में। तो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ में जो ये वाला बेडरूम होता है ये डिप्राइव्ड रह जाता है, वंचित रह जाता है हमारा नेचुरल लाइट और नेचुरल एयर से। बट यहाँ पे विंडो भी अच्छी है, और यहाँ से जो आपकी चौड़ाई है इसकी, मतलब पूरी की पूरी गली की इस तरफ से, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। प्लस साइज़ अगर आप इस रूम का देख रहे हैं तो ये 12 फीट ऐसे मिलता है हमें, और ऐसे आपको ये मिल जाता है पूरा 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 10। तो 10 बाय 12 का रूम है। वार्डरोब इधर लगा हुआ है, वार्डरोब भी देख लीजिए एक बार। ये आपको इसमें काफ़ी गहरा बढ़िया वार्डरोब मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको विंडो मिल जाएगा। यहाँ से आते हैं तो ये अटैच वॉशरूम मिल जाएगा इसमें आपको, और ये काफ़ी बड़े साइज़ का वॉशरूम है। ये चूल्हा वूल्हा रखा हुआ है इसमें, तो इग्नोर कीजिएगा इसको भी। और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा ये वॉशरूम आप मान के चलते हैं। और इसमें काफ़ी अच्छा साइज़ दिया हुआ है। ये वाला वॉशरूम सच में थोड़ा बड़ा था। बाकी यहाँ से आप आगे आते हैं तो आपको दो बढ़िया वाले बेडरूम्स मिल जाएंगे। दोस्तों पैसा वसूल प्रॉपर्टी है ये। लोकेशन वाइज बहुत सारे पार्क्स हैं आसपास, सारी चीज़ें मैं आपको विजिट पे ही दिखा पाऊँगा क्योंकि सब कुछ वीडियो में कवर करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बाकी सेक्टर आपने देखा ही हुआ है, ये वाला पहले भी देखा होगा, सेक्टर 8 पड़ता है। और ऐसे इस वाले रूम का आप साइज़ देखते हैं तो ये साइज़ हमारा जा रहा है 11 कुछ इंचेस, मतलब 12 आप मोटा मोटा मान के चलो। ऐसे आप इसको देखते हैं तो ये आपका आ जाता है पूरा 12 फीट, 12 बाय 12 का ये वाला रूम है हमारा, जिसमें वार्डरोब इस तरफ बड़े साइज़ का पूरा पैनल बना के दिया हुआ है। एक बार पीछे चलते हैं, यहाँ से आप जाएंगे तो इस तरफ आपको पूरा का पूरा बड़ा वाला बालकनी मिल जाएगा। ये हमारी बालकनी है, और इसके अंदर की जो चौड़ाई है ऐसे 4 फीट है, और ऐसे अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका 11 के आसपास आ जाता है। प्लस यहीं से हम आपको लेके चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में। ये हमारा लास्ट बेडरूम है,
और इसके अंदर भी साइज सिमिलर है, ऐसे आप देखेंगे तो 13 फीट है और ऐसे आप इसको देखते हैं तो ये 11 फीट है। लास्ट जो बेडरूम है इसमें भी वेंटिलेशन के लिए एक बहुत बढ़िया और बड़ी सी विंडो दे रखी है। सो दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है काफ़ी बढ़िया है, एक फ्लोर पे एक फ्लैट है और इस साइज़ के अंदर आपको 120 गज वाले जो ऑप्शन है बहुत कम कम मिलते हैं यहाँ पे बना हुआ है। प्लस जो सामने एरिया मिलता है इस प्रॉपर्टी के बाहर वो भी लगभग 40 फीट के आसपास वेकेंट है और काफ़ी पार्क्स हैं यहाँ पे, काफ़ी हैपनिंग सा माहौल रहता है। अच्छा है ये वाला लोकेशन अगर आप द्वारका सेक्टर 8 के अंदर कंसिडर करना चाहते हैं तो। बाकी हमने ऑब्जर्व किया है कि आप लोग बड़ा सोच संकोच करते हैं, आप स्पॉट करने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली जाके बिल्डर से परचेस कर लें या फिर किसी और मीडियम से परचेस कर लें। एक आपको मैं छोटी सी सलाह देता हूं, देखिए एक डीलर से परचेस करने का जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि वी आर मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, हमारे पास हर बिल्डर की कहानी, हर बिल्डर का प्रोडक्ट होता है और हम जो आपको कंपैरिजन बता सकते हैं इंडस्ट्री में रहते हुए वो शायद आप अपने एंड से या फिर अपनी समझ बूझ से ना आइडेंटिफाई कर पाएँ। सोच के देखिएगा इस बात पे। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है अगर आप किसी डीलर या फिर किसी चैनल पार्टनर के थ्रू प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। जो कॉस्ट आप डायरेक्टली बिल्डर को पे करते हैं उसी कॉस्ट के अंदर आप हमसे भी चीज़ परचेस करते हैं और जो बिल्डर ने मार्जिन प्लान कर रखा होता है या फिर जो हमारी मेहनत होती है वो बिल्डर हमें खुद से निकाल के देता है उस कॉस्ट में से। तो आपके मन का ये जो वहम है अगर कहीं हो तो इसे निकाल दीजिएगा। बाकी ये जो प्रॉपर्टी है इसका कोड हमने यहाँ पर डाल दिया, नंबर्स यहाँ पर लिख दिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।